फिल्म के अंदर जो ओमकार जो होता है उनका जो लड़का जो दिखाया गया है वो बेसिकली इन सिस्टर को दिखाया गया है। ये मीरा जी हैं जो फिलहाल मुंबई में रहती है और इनको फिल्म के अंदर एक रोल दिया गया था, ठीक है। उस टाइम में इनका जन्म हुआ था तो इनको लड़का फिल्म में दिखाया गया है और आज ये हमें मिले तो हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नदियों के पार फिल्म शूटिंग लोकेशन के नेक्स्ट पार्ट के अंदर। जैसा कि मैंने आपको पिछला वीडियो दिखाया था जिसके अंदर मैंने आपको फिल्म के अंदर जो गुंजा जो होती है उसका घर मैंने आपको दिखाया था, आज मैं इस वीडियो के अंदर जो घर आपको दिखाने वाला हूँ वो घर दिखाने वाला हूँ फिल्म के अंदर जो चंदन जो होता है उसका गाँव और जो घर जो है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि फिल्म के जो दोनों गाँव के जो सीन है वो बेसिकली असल में एक ही गांव से शूट किए गए थे, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के विजयपुर गांव से। फिल्म के अंदर बलिहार और जो चौबेपुर है वो दोनों जगह इसी गांव से दिखाई गई है। तो फिर से आज मैं उसी गाँव के अंदर पहुँचा हूँ, विजयपुर गाँव के अंदर। विजयपुर गाँव के अंदर ही गुंजा के घर से कुछ दूरी पर ही वो घर बना हुआ है जिसे फिल्म के अंदर चंदन का घर दिखाया गया है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो नदियों के पार के अंदर जो चंदन का जो घर बनाया गया था और जो गांव जो दिखाया गया था वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं और फिल्म के अंदर जो लोकेशंस यहां से दिखाई गई थी वो मैं आपको दिखाऊंगा और यहां से मतलब गांव वालों से हम बात करने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से यहां पे फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो चलिए आज के हमारे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को आप शेयर करें। तो चलिए आज के हमारे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी हम चंदन के गांव के अंदर पहुंच चुके हैं। फिल्म के अंदर जिस जगह चंदन का जो घर दिखाया गया है अभी हम वहां पर पहुंच चुके हैं। तो देखिए ये जो आप सामने वाला जो घर आप देख पा रहे हैं इसी घर को फिल्म के अंदर चंदन का घर बनाया गया था। देखिए आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, फिल्म की जब यहाँ पर शूटिंग हुई थी तो उस टाइम में ये जो घर है बिल्कुल कच्चा ये घर हुआ करता था, लेकिन फिलहाल इसमें अभी बहुत से चेंजेस हो चुके हैं। पूरा ही ये घर है जो चेंज हो चुका है, पूरा पक्का घर ये बन चुका है। तो अभी यहाँ पे ऐसा कुछ मैच करवाने वाला सीन है नहीं, लेकिन फिल्म के अंदर जो चंदन का जो घर जो बनाया गया था वो बेसिकली यहीं बनाया गया था। अभी हम इस गली से होते हुए फिल्म की अगली लोकेशन की तरफ चल रहे हैं। फिल्म का अगला जो सीन है वो देखिए यहाँ से हमें दिखाया गया है। ये जो सामने कुआं आप देख पा रहे हैं फिल्म के अंदर इसी कुएं को हमें दिखाया गया है। इस कुएं को फिल्म के अंदर तब दिखाया जाता है जब फिल्म में जो रज्जो जो होती है वो इस कुएं में पानी भरती रहती है, और भी बहुत सी महिलाएं होती है यहाँ पर जो इस कुएं के अंदर पानी भरती रहती है, लेकिन जो रज्जो की जो बाल्टी है वो कुएं के अंदर गिर जाती है। इसके बाद वो फिर चंदन को बुलाने जाती है उनके घर के अंदर, और फिर चंदन जो होता है वो इस कुएं के पास में आके इस कुएं से रज्जो की जो बाल्टी होती है उसे वो निकालता है। अभी भी ये कुआं उसी प्रकार से है, कुछ चेंजेस हो चुके हैं जैसे यहाँ पे मतलब प्लास्टर वगैरह हो चुका है, लेकिन ये चक्री वगैरह आप देख सकते हैं वैसे ही यहाँ पर अभी भी लगी हुई है और ये कुआं वैसा ही है। फिलहाल देखिए इसमें मतलब कचरा भर दिया गया है, लेकिन बहुत गहरा ये कुआं है, ठीक है। इसे मतलब बंद करने के लिए यहाँ पे कचरा वगैरह डाल दिया गया है, लेकिन ये वही कुआं है जिसका फिल्म के अंदर सीन दिखाया गया है। अभी हम अगली लोकेशन की तरफ चल रहे हैं जहाँ से बहुत से सीन गाने के अंदर दिखाए गए हैं। तो ये वो गांव है जिसे चंदन का गांव दिखाया गया है फिल्म के अंदर। बहुत से सीन इस गांव के अंदर से दिखाए गए हैं। तो फिल्म के अंदर जो गाना जो होता है और जो होली का जो सीन होता है वो इस गांव से दिखाया गया है। देखिए ये जो सामने दिख रहा है यहाँ पे होली का जो होलिका दहन होता है यहाँ पे गाड़ा गया था इस जगह बीच में यहाँ पे, और जो लाल टी शर्ट पहने खड़े हैं वहाँ पे आती हैं जो नाउन का रोल की हैं, वो आती हैं तो कहती हैं ना ये लो अपना पकड़ो बाना ठकुराई, वो वहाँ पे रास्ता है। हाँ वो रास्ता उस साइड से है, आइए उधर से ले लीजिए। और जो जैसे फिल्म यहाँ पे देखते थे लोग जैसे क्या बताया, जैसे जब यहाँ पे गाना चल रहा था तो ये जो छत है ये छत है और ऐसा देखिए वो चार मुक्की है, वो पहले जब स्क्रीन शॉट में आप लगाएंगे ना वो मुक्की दिखेगा, वो सामने वाला भी दिखेगा, वो जो माला इधर ही वो सामने वो वाला घर है। हाँ वो भी फिल्म में सीन में दिखाया है। अच्छा। और इसपे से सब लोग शूटिंग देखते थे। देखो जो जो वो खिड़की के सामने ऐसा पकड़ा है ना चढ़ा कुछ झाड़ टाइप, उस समय
वहीं पे बहुत ज्यादा था। अच्छा। स्क्रीन शॉट में देखेंगे ना तो उस समय भी वैसा ही चला था, लेकिन वो ज्यादा था, उस समय कम है। मतलब यहाँ पे पहले भी पपीता के पेड़? हाँ हाँ हाँ, बहुत पहले से। और जो घर जो बताए गए वो रास्ता? ये रास्ता ये है, ये रास्ता। हाँ, जब वो काका कहते हैं ना, का ठाकुरायन कहाँ चले सिंगार पिटार करके, वो यहाँ से। तो ये यहाँ से है। वो एक सीन के अंदर जैसे वो बैल भी लेके आते रहते, वो बैल इधर से आता है। कौन सा? ये रास्ता है ना यहाँ? ये रास्ता। अच्छा, जब हाँ, जब बैल वैल लेकर आते हैं ना तो ये रास्ता है। ये अब तो सब चेंज हो गया है, नहीं तो पूरा अभी जब वो और लोग आए थे ना, अभी क्लियर था, अब यहाँ कोई रास्ता नहीं। और इधर आगे से कुछ सीन दिखाए गए हैं? इधर से नहीं, बस यहीं से दिखाए गए। और वो जो घर दिख रहा है ना, जो चंदन की शादी और ओमकार की शादी कराते हैं, उसी घर के पंडित जी थे। उस घर के? हाँ, रियल में मतलब वो पंडित जी। हाँ हाँ, अच्छा। और ये इनके बारे में बता दो, आप वीडियो में इनके बारे में बता दो, जो ओमकार की जो ये मीरा है, ठीक है, उस समय छोटी बच्ची थी, लेकिन जब ओमकार का लड़का दिखाया गया है जो फिल्म में, तो उस समय छोटी थी, तो, और आज देखिए आपके सामने प्रत्यक्ष, वो भी आप लोगों का नसीब है कि सामने आ गए हैं। मतलब इनको लड़का दिखाया गया था फिल्म हाँ, में। हाँ, और आज देखिए आज ये लड़की है, असल में कुदरत का देन है। क्या नाम है इनका? मीरा। अच्छा, कहाँ पे रहते हैं वैसे? घर तो यही है। अच्छा, ये इनका मायका है इस समय मुंबई में, अपने ससुराल। ससुराल। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। फिल्म के अंदर जो ओमकार जो होता है, उनका जो लड़का जो दिखाया गया है, वो बेसिकली इन सिस्टर को दिखाया गया है। ये मीरा जी हैं जो फिलहाल मुंबई में रहती है, और इनको फिल्म के अंदर एक रोल दिया गया था, ठीक है। उस टाइम में इनका जन्म हुआ था, तो इनको लड़का फिल्म में दिखाया गया है, और आज ये हमें मिले तो हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। थैंक यू। और जैसे वो राजश्री प्रोडक्शन के जो मैनेजर थे, उनका घर वगैरह किधर है? राजश्री प्रोडक्शन के जो मैनेजर हैं, उस साइड उनका घर है, उस साइड। तो जैसे फिल्म की यहाँ पे शूटिंग किस प्रकार से की गई थी? फिल्म की शूटिंग ऐसा था कि ये फिल्म बनने वाली थी बलिया में, वहाँ सोन नदी है, उसी पे गाना भी लिखा गया था, सोना नदी के पानी हिलोर मारे। लेकिन वहाँ पे वो लोग गए थे रामजनक सिंह के साथ, उनके घर आए घूमने के लिए आए, और आए जब यहाँ संगम देखे सब, उनको लोकेशन अच्छा लगा, तो वहाँ से मतलब बोले कि हमें यहाँ शूट मतलब फिल्म बनाना। उस समय गोविंद मुनीश, केशव प्रसाद मिश्र और रामजनक सिंह। गोविंद उनका केशव प्रसाद मिश्र के उपन्यास पे कोबर की शर्त पे फिल्म बनी है। तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल ये जो भैया हैं, मतलब कैमरा फेस नहीं करना चाहते हैं किसी वजह से, लेकिन इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम सर? हमें सब लोग दादा ठाकुर कहते हैं, अखिलेश सिंह दादा। अच्छा, थैंक यू। दोस्तों, यह घर जो आप देख पा रहे हैं, यह था रामजनक सिंह जी का, जो कि राजश्री प्रोडक्शन के अंदर मैनेजर रह चुके हैं। तो फिलहाल तो वो अब इस दुनिया के अंदर है नहीं, लेकिन उनके जो लड़के जो हैं वो इस घर के अंदर रहते हैं। उन्हीं की वजह से इस नदियों के पार फिल्म की जो शूटिंग है इस गांव के अंदर हुई थी, इसी गांव के वो थे। तो ये आप देख सकते हैं, उनका जिक्र करना भी हमारे वीडियो के अंदर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं की वजह से उस फिल्म की शूटिंग इस गांव के अंदर यहां पर हुई थी। दोस्तों, अभी मैं फिल्म की एक नई लोकेशन के ऊपर पहुँच चुका हूँ। तो फिल्म के अंदर कुछ सीन यहाँ से दिखाए गए हैं। यहाँ से फिल्म के अंदर जो सीन आते हैं वो होली के सीन आते हैं, जब फिल्म में जो चंदन जो होता है वो गुंजा को ढूंढता रहता है घरों घरों के अंदर गुलाल लगाने के लिए, रंग लगाने के लिए। तो एक सीन के अंदर जो चंदन जो होता है वो इधर सामने से आता रहता है, गुंजा को यहाँ घरों के अंदर ढूंढता रहता है। उस टाइम में ये इधर वाला जो घर आप देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल कच्चा घर था, और ये जो है इसी प्रकार का नज़ारा हमें देखने को मिलता है। ये दीवार उसी प्रकार से है, और ये जो सामने वाला जो घर है ये उसी प्रकार से था। देखिए, ये जो खिड़की जो आप देख पा रहे हैं ना ऊपर वाली, ये अभी भी आप उसी प्रकार से मैच कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही जो चंदन जो होता है वो यहाँ पर आगे आ जाता है, तो यहाँ पर उसे फिल्म के अंदर जो रज्जो जो होती है वो यहाँ पर मिलती है इसी कोने के अंदर, यहाँ पर इस कोने के ऊपर। तो देखिए, ये जो ईंटों की जो जिस प्रकार से डिज़ाइन है अभी भी आप वैसे ही देख सकते हैं।
फिल्म का वो जो सीन है यहाँ से दिखाया गया है, इसके बाद कुछ सीन वहाँ आगे से कैमरा एंगल करके हमें दिखाया गया है। इसके बाद देखिए एक सीन के अंदर कैमरा एंगल यहाँ से किया गया था। इस सीन के अंदर जो चंदन जो होते हैं वो गुंजा को ढूंढते हुए यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर रहते हैं, और इसी रास्ते से कुछ महिलाएं उधर आगे की तरफ जाती रहती हैं, तो जो चंदन जो होते हैं वो उन्हें गुंजा के बारे में पूछते हैं। तो इस सीन के अंदर देखिए ये जो दीवार है इस घर की ये दिखाई देती है, इसके अलावा ये जो घर है ये घर हमें दिखाई देता है। इसके बाद जब चंदन उन महिलाओं के पास जब जाता है तो वो जो महिलाएं होती हैं वो चंदन को भी मतलब कलर लगा देती है, तो वो जो सीन जहाँ से दिखाया गया है वो इसी घर के जस्ट सामने से दिखाया गया है। अभी भी ये जो घर है उसी प्रकार से बना हुआ है, कुछ मतलब ये देखिए ये मतलब इन्हें बंद किया हुआ है, लेकिन फिल्म का जो सीन है वो यहीं से दिखाया गया है। ये अंकल जी हैं जो फिलहाल मतलब वैसे मुंबई रहते हैं लेकिन फिलहाल अभी बच्चों की छुट्टियाँ हैं इस वजह से अपने गाँव आए हुए हैं। सीन यहाँ से हमें फिल्म के अंदर दिखाया गया है। दोस्तों अभी मैं जिस घर के अंदर पहुंचा हूँ, इस घर के अंदर फिल्म की जो स्टार कास्ट है वो इसी घर के अंदर ठहरा करती थी, यानी कि जो फिल्म के जो भी एक्टर एक्ट्रेसेस है वो इस घर के अंदर ठहरा करते थे। इसके अलावा फिल्म के अंदर कुछ सीन भी हैं जो यहाँ से दिखाए गए हैं। फिल्म के एक सीन के अंदर जो रज्जो जो है वो यहाँ पर आती है, इसी जगह से वो रज्जो आती है, और आज भी ये जो कलर है वो उसी प्रकार से है। ये खिड़की वगैरह आप देख सकते हैं, फिल्म का एक सीन यहाँ से दिखाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए वो एक तख्ता लगा हुआ रहता है, उसके ऊपर फिल्म में जो मिश्रा जी और जो तिवारी जी होते हैं वो यहाँ पर बैठे रहते हैं, और जो रज्जो जो होती है वो बोलती है उन्हें कि गुंजा को कितने दिन हो गए यहाँ पर आए हुए, उसे अपने घर भेज दूँ। तो ऐसे कुछ करके सीन होता है जो इस घर से हमें फिल्म के अंदर दिखाया गया है। तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको फिल्म के अंदर जो चंदन होता है उसका घर मैंने आपको दिखाया है, वैसे इतना अच्छा दिखा नहीं पाए क्योंकि कुछ मतलब वहाँ पे दिक्कत थी इस वजह से, लेकिन फिर भी मैंने चंदन का जो गांव फिल्म के अंदर दिखाया गया है वो इस वीडियो के ज़रिए आपको दिखाने की कोशिश की है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को आप शेयर करें। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।